तो आज मैं आपके लिए फिर से एक देहरादून का ब्लॉग वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं मालदेवता या फिर लच्छीवाला। बट हम पहले सोच रहे थे कि हम शहरदारा जाएंगे, बट शहरदारा का जो मेन एंट्रेंस वाला एरिया है उसको बंद किया हुआ है, वहाँ पर विजिट करने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि अभी मसूरी में फिलहाल हो चुका है कि 50-50% करके कैंपटी फॉल में जाने दिया जा रहा है। जब तक वो 50 लोग वापस नहीं आ जाएंगे तब तक बाकी लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि सैटरडे संडे में हर कोई बाहर विजिट करने की सोचता है, तो उसी तरीके से हम भी सैटरडे घूमने जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लगभग 1 या 2 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे। बट अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम जा पाएंगे पॉसिबल होगा वहीं जाएंगे। फिलहाल हम घर से यहाँ से पूरी तैयारी करके निकलेंगे, हम लोग अपना सारा खाने पीने का सामान। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप नहा भी सकते हैं, तो अपने कपड़े भी साथ में लेके जाएंगे। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि अभी शहरदारा में काफ़ी क्राउड है, तो बिकॉज ऑफ COVID-19 तो हम लोग वहाँ पर नहाने का तो सोच भी नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड में, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी होंगे। तो हम सोच रहे थे कि हम लच्छीवाला जाते हैं, बट लच्छीवाला में भी वीकेंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, और हो सकता है कि आप पता लच्छीवाला भी बंद किया हो, उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बारे में आपको आगे ही पता चलेगा कि फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं और जा भी पाएंगे या नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। तो अभी मैं आपको फिर रेडी होने के बाद सीधे गाड़ी में मिलती हूँ और वहीं मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगी कि फाइनली हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। इतनी गाड़ी हिलती जुलती है, तुम्हारी रोड नहीं हिलती इतनी। हेलो हेलो, हाय। तो फाइनली अभी हमने डिसाइड कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मालदेवता, तो उसी का व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चल रहे, बने रहिए वीडियो में। तो अभी आपके सामने ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये मेरे पुराने ब्लॉग वीडियोस की पिक्चर्स हैं। अगर आप मेरे ये ब्लॉग वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और रिसेंटली मैंने अभी मसूरी का ब्लॉग बनाया है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर घर से निकल चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीकेंड है, सैटरडे संडे में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अभी दिन के 2 बज रहे हैं, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक है। ये देखिए, अभी हम सहारनपुर चौक पर हैं और सहारनपुर चौक पे भी हमें इतना ट्रैफिक देखने के लिए मिला है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड तो कर लिया है कि हम लोग मालदेवता जाएंगे, पर मालदेवता जाने के लिए हमें उसी रूट से जाना होगा, शहरदारा रोड से ही, और अगर वो बंद किया होगा तो हम शायद वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। तो सहारनपुर चौक के बाद अब हम आ रहे हैं तहसील वाले मार्केट में। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड साइड, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो हमें यहाँ से निकलने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। जब भी हम शहरदारा रोड साइड कभी भी विज़िट करते हैं, शहरदारा जाते हैं या फिर उधर उस रोड साइड जाते हैं, तो वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मंदिर है, शनि मंदिर। स्पेशली जब भी हम सैटरडे को उस साइड जाते हैं तो उस मंदिर में दर्शन ज़रूर करते हैं, काफ़ी अच्छा शनि मंदिर है। अगर आप भी कभी वहाँ जाएँ तो शनि मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो भी शनि मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद मिलता है, तेल और काले तेल वगैरह, वो आपको मिल जाएंगे वहीं मंदिर में ही। तो वापस आते हुए मैं आपको उस मंदिर के दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो अब हम ये तहसील वाला जो रोड है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो तहसील को क्रॉस करने के बाद हमें यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ है और अब हम थोड़ा अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे गाड़ी को और स्पीड में थोड़ा सा, जिससे कि हम जल्दी वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो अभी हम उस रोड पे आ चुके हैं जहाँ से हम शहरदारा के लिए और मालदेवता के लिए एंट्री करते हैं, बट यहाँ पर पुलिस वालों ने बैरियर लगाए हुए हैं और वो किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं वो दिल्ली हरियाणा की है, जहाँ पर पूरी पूरी फैमिली आई है शहरदारा में विज़िट करने के लिए। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सारी गाड़ियों को वापस मोड़ा जा रहा है और सारी गाड़ियाँ यहीं से वापस जा रही हैं। तो यहाँ से हमने भी अपनी गाड़ी को मोड़ लिया है और हमने गाड़ी को साइड में लगाया है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि क्यों ना एक बार पापा को वहाँ पर भेजा जाए और पता किया जाए कि वहाँ पर जाना अलाउड है या नहीं है, और अगर हम मालदेवता जाना चाहते तो कोई और दूसरा रास्ता है। तो अभी पापा जाएंगे वहीं पर। तो हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर दिया। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये पैसिफिक गोल्फ अपार्टमेंट है, उसी के जस्ट सामने अपनी गाड़ी को हमने खड़ा किया है। उसके बाद पापा जा रहे हैं पुलिस वालों से बात करने के लिए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, ये जो भी गाड़ियाँ हैं देखिए, सारी गाड़ियाँ यहाँ से रिटर्न हो रही हैं और ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा की हैं। तो फाइनली हमें खुशखबरी मिल गई है, वहाँ पर एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने पापा को बताया है आगे एक पूर्वी जंक्शन है और वहाँ से लेफ़्ट लेकर आप मालदेवता जा सकते हैं। भैया मालदेवता जा सकते हैं यहाँ से, मालदेवता सीधा।
तो फिर भी माल देवता जाने के लिए आपने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एक भैया से पूछा है कि माल देवता जाने के लिए यही ये रूट है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो उन्होंने आपके सामने ही कहा था कि यहाँ से आप माल देवता जा सकते हैं। और अभी जो आपके सामने नज़ारा आप देख रहे हैं ये माल देवता का ही है। और देखिए कितनी ब्यूटीफुल और अच्छी पहाड़ियाँ यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रही हैं, काफ़ी ग्रीनरी है और नो क्राउड है। ये सामने देखिए एक जो राइट साइड जो टर्न जा रहा है वो रायपुर के लिए है और दूसरा माल देवता के लिए। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं माल देवता और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जो ये पहाड़ी एरिया है इसको देखकर तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। वीडियो में आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये ग्रीन व्यू देखकर। तो माल देवता जाने के लिए हमने इसीलिए डिसाइड किया है क्योंकि ये नो क्राउड प्लेस है। अगर आप किसी ऐसे प्लेस पर जाना चाहते हैं फैमिली के साथ इस कोविड के टाइम पर कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड ना मिले और आप अपना जो पिकनिक है उसको एंजॉय कर पाएँ अपनी फैमिली के साथ, तो बिल्कुल आप माल देवता में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं माल देवता में। अब जो व्यू आपके सामने आएगा वो है माल देवता का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी क्राउड नहीं है और बहुत ज़्यादा शांति है और पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। यहाँ पर आप बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे पानी में जाना चाहते हैं तो आगे इससे और ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ पर आपको अच्छा खासा पानी देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी पेट पूजा करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो भी गर्ल्स के लिए स्पेशली। अगर आप यहाँ पर नहाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंजिंग रूम अवेलेबल नहीं है। हमने गाड़ी में ही कपड़े चेंज किए थे, वो भी टॉवल लगा दिया था शीशों के आसपास, उसके बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए थे। काफ़ी टाइम तक तो मैं और मम्मी यही सोचते रहे कि हम लोग कपड़े कहाँ पर चेंज करें। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग गाड़ी में ही अपने चेंज कर लेते हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा पानी में मस्ती करते हुए हमारा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि हम लोग भी इंजॉय करें। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ खाने पीने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको शॉप्स वगैरह मिल जाएंगे एक दो ओपन, जहाँ पर आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर नहीं हैं। तो अभी हम घर वापस जा रहे थे और हमें बज चुके थे शाम के 5, तो हमने सोचा कहीं पर चाय या स्नैक्स थोड़ा सा ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग जाएंगे शनि मंदिर। तो अभी हम एक जगह पर गाड़ी रोकेंगे जहाँ पर हम चाय वगैरह पियेंगे। तो नहाने के बाद हम लोग काफ़ी थक चुके थे और बच्चों को भी कुछ खाने पीने का मन कर रहा था, हमने सोचा कोई ऐसा प्लेस ढूंढा जाए जहाँ पर ओपन एरिया में चाय या स्नैक्स दिया जाए जिससे कि इस पहाड़ी वाले एरिया को और भी अच्छे से इंजॉय किया जाए। तो फाइनली हमें ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ पर ओपन एरिया में चाय वगैरह, चाय या कॉफ़ी आप जो भी पीना चाहें या फिर स्नैक्स खाना चाहें जैसे कि चाउमीन, मोमोज या फिर सैंडविच। तो हमने वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क किया है और आगे मैं आपको उसी का व्यू दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो चेयर या टेबल वगैरह डाली हैं इसके जो बैक साइड में जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर पानी बह रहा था और काफ़ी अच्छी सी रिवर थी और वहाँ से काफ़ी अच्छा फील हो रहा था वहाँ बैठने में। तो हमने तो ये विज़िट काफ़ी इंजॉय की है और आपको तो देखकर भी मज़ा आ गया होगा। तो अगर आप देहरादून आएँ कभी भी या फिर आप देहरादून के हों तो माल देवता में ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। अभी आपके सामने जो ये पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं यही बैरियर्स लगे हुए थे, यहीं से हम लोगों को वापस जाना पड़ा था, यहीं से जाने नहीं दिया जा रहा था। बट वापसी में हम उसी रोड से वापस आए हैं जहाँ से कि हमें माल देवता के लिए जो मेन रास्ता है शाहजदार रोड से, जहाँ से जाना था।
तो वापसी में हमने वही रूट लिया है, तो हम लोगों को शनि मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं शनि मंदिर, और ये जो एंट्रेंस है आपको शनि मंदिर का दिखाई दे रहा है, और ये जो गेट है ये शनि मंदिर का है, और यहाँ पर कुछ चुन्नियाँ आपको बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले थोड़ा सा प्रसाद वगैरह ले लिया, ये जो शॉप आपको दिख रही है यहीं से। मम्मी मुझे भी बजाना है, मुझे भी बजाना। आपको भी बजाना है? मुझे कहाँ जा रहे हो? पकड़ो क्यों ना, मैं इसको गोदी लेती हूँ, वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ी सी जिद कर रही थी कि मुझे भी मंदिर की घंटी बजानी है, तो मैंने उसे गोद में लेके घंटी बजवा दी थी। और यहाँ पर शनि मंदिर में जो सरसों का तेल है, जो शनि देव की मूर्ति है उस पर तो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, और काले तिल, तो हम लोग वही कर रहे थे। हमने थोड़ा सा यहाँ पर पूजा की और थोड़ा सा हम लोग ध्यान में बैठे थे, काफ़ी मन को शांति और काफ़ी अच्छा लगा था। तो घूमना भी हो चुका है और मंदिर के अच्छे से दर्शन भी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मैं आपके लिए देहरादून का और भी ब्लॉग वीडियो लेकर आऊँ, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिसका ब्लॉग आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।